मेरा नाम डॉक्टर पराग टापरे है और लास्ट 10 साल से मैं विविध माध्यम से एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हूँ, जिसमें सबसे पहले इसकी प्रेरणा हमारे मित्र प्रशांत जी मुड़ावकर, इनकी प्रेरणा से दौड़ना चालू किया और अभी इस बार 10वीं मैराथन हम करने जा रहे हैं, मुंबई मैराथन 10वीं बार, और इसका पूरा श्रेय ये एंड्योरेंस एथलेट बनने के तरफ में जो जाता है वो मेनली प्रशांत जी को जाता है। और बीच में फिर हम लोगों ने कुछ साइकिलिंग ग्रुप्स में साइकिलिंग करना चालू किया और उसके बाद में फिर स्विमिंग का तो शौक था ही, तो जय श्रीराम ग्रुप के साथ में स्विमिंग करना चालू किया। तो ऐसा ध्यान में आया कि तीनों भी इवेंट जहाँ होते होंगे ऐसे एक हरी कॉम्पिटिशन में हम लोग हिस्सा लेना चाहते थे। तो सबसे पहली बार हैदराबाद में हमने ट्रायथलॉन में, जिसमें ओलंपिक डिस्टेंस में किया, और दो बार वो वहाँ पे करने के बाद में फिर हमें लगा कि हम लोग इससे आगे आयरनमैन कंपटीशन के लिए जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर बहरीन में जो एक हाफ आयरनमैन जिसको बोलते हैं 70.3, उसमें हमने हिस्सा लिया और उसमें मैंने 7 घंटा 11 मिनट में 2 किलोमीटर स्विमिंग, उसके बाद में 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग ये कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर इस साल प्रशांत जी के साथ में रिले का इवेंट किया गोवा में, जिसमें उन्होंने साइकिलिंग किया और मैंने स्विमिंग और रनिंग किया। तो इस यात्रा में इस सभी चीज़ों के बारे में जो पूर्ण सहकार्य तो मित्रों का तो था ही, लेकिन मेरी फैमिली के साथ में भी बहुत उसका डेडिकेशन इसके लिए लगता है, उनका बहुत साथ इसके लिए लगता है, जिसमें मेरी पत्नी अर्चना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। और हमारा एक मित्र तो कहता है कि आयरनमैन वही कर सकता है जिसके फैमिली ने, स्पेशली वाइफ ने उसको अलाउ किया हो। सो ऑन अ लाइटर नोट, बट दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि सुबह 4 बजे हमारा दिन चालू होता है, तो 4:30 तक तैयार होके 4:45 बजे की पहली बैच में 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग स्विमिंग करते हैं, 2 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक, नियर अबाउट 40 से 50 राउंड हो जाते हैं अपने 25 मीटर पूल के। उसके बाद में फिर इमिडिएटली कभी साइकिलिंग का शेड्यूल रहता है या कभी रनिंग का शेड्यूल रहता है, तो ऐसा एक 2 से 3 घंटा रोज का हम लोग दे पाते हैं, और संडे के दिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, एक दिन उसमें छुट्टी भी ले लेते हैं मंडे के दिन। तो ये जो सफ़र है आयरनमैन का वो मेरे लिए और मेरे सब शुभचिंतकों के लिए बहुत अच्छा रहा है, और इसके बाद में भी एज ए एंड्योरेंस एथलेट ये मैं करता रहूँगा। इनफैक्ट अभी दिसंबर 2019 में मैं बुसल्टन करके जगह है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी एक इवेंट करने जा रहा हूँ, और सभी की शुभकामनाएं, सभी की शुभेच्छाएं लेके वहाँ पे जाऊँगा। धन्यवाद।